उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सनक, इराक के राष्ट्रपति हसन रूहानी की अरियल रुख और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद, इस सब के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच दिन प्रतिदिन बढ़ रही तनाव और हर बात पर पाकिस्तान के द्वारा परमाणु बम की धमकी, दरअसल यह सभी कुछ क्या संकेत देता है? क्या दुनिया एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ने लगा है? आखिर क्या वजह है कि ईरान सुलह करने के बजाय अमेरिका से टकराव करने पर तुला हुआ है? क्या इसकी वजह से दुनिया पर तेल का संकट खड़ा हो जाएगा? वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया के तानाशाह ने इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का परीक्षण करके आखिरकार दुनिया को क्या संदेश देने का की ओर इशारा किया है? क्या वजह है कि दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष इन दिनों युद्ध उन्माद को हवा देने में लगे हुए हैं? इधर लंबी दूरी के मिसाइल परीक्षण संधि जो अमेरिका और रूस के बीच हुआ था, अब इस संधि से अमेरिका का पीछे हटना दुनिया के लिए क्या संकेत है? क्या इससे दुनिया में एक बार फिर से हथियार बनाने की होड़ शुरू होने वाली है? क्या विश्व बिरादरी के लोग एक और शीत युद्ध की ओर बढ़ने लगे हैं? क्या यह शीत युद्ध कालांतर में विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेगा? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिसका आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट की शुरुआत ईरान से करते हैं। दरअसल कई तरह की परेशानियों के बाद भी ईरान आज अमेरिका से सुलह से इतर टकराव पर तुल गया है। ईरान ने बीते महीने ही अमेरिका के एक अति उन्नत निगरानी ड्रोन विमान को मार गिराया था। इसके बाद से ईरान लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुआ है। इस बीच अमेरिका ने भी ईरान के एक निगरानी ड्रोन विमान को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो गया है कि आखिरकार ऐसी परिस्थिति बनी ही क्यों? क्यों दोनों देश एक दूसरे के पीछे पड़े हुए? इस सवाल को समझने के लिए अतीत के पन्नों को पलटना यहां जरूरी हो गया है। दरअसल बीते साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से खुद को अलग करते हुए ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वे ईरान पर इतना दबाव बना देंगे कि ईरान को अमेरिका के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। इसके बाद से ट्रंप ने ईरान पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगा दिए। सबसे बड़ा प्रतिबंध ईरान के तेल निर्यात पर लगाया गया। अमेरिका ने ईरान से तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। कमोबेश इसका असर ईरान के आर्थिक व्यवस्था पर अब दिखने भी लगा। लेकिन इस सब के बावजूद घुटने टेकने की जगह बीते एक महीने में ईरान ने इस मामले पर जो रुख अपनाया है, इससे अमेरिका सहित पूरा दुनिया हैरान है। दरअसल अमेरिका प्रतिबंध की परवाह किए बिना ईरान अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। ईरान ने कथित रूप से मध्य पूर्व के हॉर्मुज जल संधि क्षेत्र से होकर गुजरने वाले तेल वाहक जहाजों को निशाना बनाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। ईरान ने प्रतिबंध के बाद इस इलाके से गुजरने वाले आधा दर्जन तेल वाहक जहाजों पर मिसाइल से हमला करके दुनिया में तेल संकट खड़ा कर देने के स्पष्ट संकेत भी दे दिए। ईरान ने समुद्र के इसी क्षेत्र में अमेरिका के एक अति उन्नत निगरानी ड्रोन विमान को भी मार गिराया। बात यही खत्म नहीं होती है, बल्कि ईरान ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPO की शर्त को मानने से भी इनकार करते हुए तय सीमा से अधिक यूरेनियम संवर्धन का काम भी अब शुरू कर दिया। यहां आपको बताते चलें कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ हुए इस परमाणु समझौते में ईरान के लिए 3.67% की यूरेनियम संवर्धन सीमा तय की गई थी, लेकिन ईरान ने अब 4.5% तक यूरेनियम संवर्धित करने की घोषणा कर दी है। ईरान ने भी कहा है कि अगर परमाणु समझौते के अन्य सदस्य देश उसकी मदद में आगे नहीं आए तो वह इस संबंधन के स्तर को और भी बढ़ा देगा। ईरान के इस रुख के बाद एक बात तो साफ हो गया है कि यह अमेरिका के सामने
झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी ईरान के मामले में अड़ियल लुक अख्तियार कर लिया है, लिहाजा हालात युद्ध की ओर इशारा करने लगा। ईरान और अमेरिका के मामले पर नजर रखने वाले कई जानकार ईरान के इस रुख की कई वजह बताते हैं। इन लोगों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस समय ईरान के खिलाफ वास्तव में युद्ध लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। इसकी पहली वजह अमेरिका की संसद है और दूसरी वजह अमेरिका के लोग। दरअसल अमेरिकी सांसद इस वक्त किसी भी प्रकार के युद्ध के पूरी तरह से खिलाफ कर रहे हैं। यही वह बड़ी वजह है जिसके रहते ईरान ने अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। यहां आपको जान लेना जरूरी है कि बीते कुछ समय से अमेरिका में जो भी सर्वेक्षण हुए हैं उनमें अधिकांश लोगों का स्पष्ट कहना था कि इस वक्त अमेरिका को किसी भी नए प्रकार के युद्ध में उलझना नहीं चाहिए। सर्वे के दौरान अमेरिका के लोगों का कहना था कि इससे पहले इराक के साथ हुए युद्ध में अमेरिका को बहुत नुकसान हो चुका और इससे इसको सबक लेना चाहिए। दरअसल इराक से हुए युद्ध में अमेरिका का करीब $6 खरब खर्च हो गया था। लोगों का कहना है कि यदि इतनी धनराशि अमेरिका के विकास पर लगाया गया होता तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। जानकारों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के लोगों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि अगले साल ही उन्हें चुनावी मैदान में उतरना है। जानकारों के एक धड़े का यह भी मानना है कि खुद ट्रंप भी इस वक्त युद्ध करना नहीं चाहते हैं। ट्रंप की नीति हमेशा से अमेरिकी फौजों को युद्धग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकालने की रही है। मिसाल के तौर पर सीरिया और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक को हटाने की इस वक्त तैयारी चल रही है। यहां एक बात और है जो गौर करने वाली है। दरअसल ईरान को लेकर दुनिया भर में जैसी परिस्थितियां बनी हैं, ऐसे हालात में यदि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका के अलग थलग पड़ने का खतरा भी यहां उत्पन्न हो जा सकता है। जानकार मानते हैं कि इराक और अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने हमला किया था तब और अब के हालात में बहुत फर्क आ चुका है। ईरान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वह साफ तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद का नतीजा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और वर्ष 2015 के परमाणु समझौते में शामिल रहे कई अन्य देशों का स्पष्ट मानना है कि अमेरिका का समझौते से पीछे हटना और ईरान पर प्रतिबंध लगाना गलत है। इसके मुताबिक यह समझौता सही था और ईरान इसकी शर्तों का पालन भी कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जानकार मानते हैं कि ऐसे में अमेरिका ने यदि ईरान पर हमला किया तो तबाही के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार माना जाएगा। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ने कम से कम 2 बार ऐसे संकेत भी दिए जिससे पता चलता है कि अमेरिका की ओर से युद्ध शुरू करने की संभावना काफी कम है। दरअसल अमेरिका ने अपने ड्रोन विमान मार गिराए जाने के बाद कम से कम 2 बार ईरान पर छोटे हमले का आदेश दिया और तत्काल ही अपना निर्णय वापस भी ले लिया, यानी अमेरिका संशय की स्थिति में। पिछले महीने टाइम पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तेल वाहक टैंकरों पर ईरान के द्वारा की गई हमले को वो बहुत मामूली घटना मानते। ट्रंप की बातों से साफ हो गया है कि इस तरह के हमले की वजह युद्ध नहीं छिड़ेगा, किंतु उसका एक दूसरा और खतरनाक पहलू भी है। वह ये कि ईरान ने अमेरिका की इसी कमजोरी को हथियार बनाकर लगातार उसकाने वाली हरकत शुरू कर दिया है और यही वह वजह है जो इस क्षेत्र में युद्ध का कारण बन सकता है। अमेरिका की एक न्यूज वेबसाइट ने भी इसी बात की ओर संकेत दिया है। दरअसल ईरान के पास अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज जल संधि क्षेत्र से बेहतर और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। आपको बताते चलें कि मध्य पूर्व से दुनिया भर में तेल और गैस का निर्यात इसी हॉर्मुज जल संधि के रास्ते से होता है और यह अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। यही वह बड़ी वजह है जब 6 तेल टैंकरों पर ईरान ने मिसाइल से हमले किए तो इसमें केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर दबाव बढ़ गया। यूरोपीय देश जो पिछले कुछ समय से ईरान मामले पर चुप बैठ गए थे उन्होंने भी अमेरिका पर नए सिरे से दबाव बनाना अब शुरू कर दिया है। दरअसल हॉर्मुज जल संधि क्षेत्र पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा की जीवन रेखा माना जाता है। हॉर्मुज क्षेत्र में हुई इन घटनाओं ने सबसे ज्यादा सऊदी अरब को चिंतित कर दिया है। यह क्षेत्र सऊदी अरब के तेल निर्यात का एकमात्र रास्ता है।
ईरान के तेल वाहक जहाज पर हमले के बाद उसने न केवल अमेरिका पर दबाव बनाया बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ से इस क्षेत्र में सुरक्षा देने की गुहार भी लगाई है। इस घटना के बाद अमेरिका पर पीछे हटने का दबाव काफी बढ़ गया है। अब बात उत्तर कोरिया की करते हैं। उत्तर कोरिया के संकी तानाशाह किम जोंग की बढ़ती महत्वाकांक्षा के बीच पूरी दुनिया पर युद्ध के बादल एक बार फिर से मंडराने लगा। पिछले कुछ महीने से शांत दिख रहा किम जोंग पिछले दिनों कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण करके इस पूरे इलाके में एक बार फिर से तनाव को बढ़ा दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने इसके दो कारण बताए। किम ने दक्षिण कोरिया पर हथियारों की खरीद करके कोरियाई प्रायद्वीप में हथियारों का होड़ खड़ा करने का आरोप लगाया है और दूसरा अमेरिकी सेना के साथ दक्षिण कोरिया के सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास को किम ने अपने लिए बड़ा खतरा बताते हुए जवाबी कार्रवाई करने का कारण बताया है। बहरहाल उत्तर कोरिया की इस हरकत के बाद निशस्त्रीकरण को लेकर अमेरिका से चल रही उत्तर कोरिया के बातचीत पर संकट के बादल अब मंडराने लगे। हालांकि अभी स्पष्ट होना बाकी है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और किम के बीच नए सिरे से बातचीत की संभावना अभी भी बरकरार है। आपको याद ही होगा पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात के वक्त दोनों के बीच बातचीत को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी थी। उत्तर कोरिया के निशस्त्रीकरण को लेकर इस साल हनोई में हुई दोनों नेताओं के बीच दूसरी शिखर वार्ता बेनतीजा रहा था। उत्तर कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पारित प्रस्ताव का खुलेआम उल्लंघन है। हालांकि उत्तर कोरिया यूएनए के प्रतिबंधों को मानने से इनकार करता रहा, किंतु अब इसको अमेरिका किस रूप में देखता है इस पर सभी की नजरें टिकी है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच भी तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुका है। भारत ने भी मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। एलओसी पर सीज फायर इन दिनों आम हो चुकी है। ऐसे में यह अंदेशा लाजमी है कि क्या दुनिया अपने विनाश के मुहाने पर आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आभार सहित अभिनंदन।